तो रेसलिंग पीडी फैमिली, सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस साल होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो। तो अभी तक WWE ने रेसलमेनिया 39 के लिए 8 मैचेस कंफर्म कर दिए हैं और रेसलमेनिया के लिए कुछ ऐसे भी मैचेस हैं जो रॉ और स्मैकडाउन देखने के बाद इतना तो क्लियर हो ही रहा है कि वो मैचेस भी रेसलमेनिया में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेसलमेनिया 39 के सभी मैचेस के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि उन मैचेस में किन सुपरस्टार्स के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में जब जॉन सीना रिटर्न आए तब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी ने सीना को चैलेंज कर दिया है रेसलमेनिया 39 में टाइटल मैच के लिए और सीना ने पहले मना कर दिया और सीना ने ऑस्टिन थ्योरी को ये समझाया कि वो थ्योरी से डरे नहीं है बल्कि वो थ्योरी से इसलिए फाइट नहीं करना चाहते क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी बेकार सुपरस्टार है। और सीना ने ये बोल दिया कि अगर रेसलमेनिया 39 में वो ऑस्टिन थ्योरी को हरा देते हैं तो थ्योरी अपना सब कुछ गवा देंगे और अगर थ्योरी किसी तरह सीना से जीत भी गए तब जब अगले दिन मंडे नाइट रॉ में जब ऑस्टिन थ्योरी आएंगे तब रेसलमेनिया 39 का क्राउड जो कि अगले दिन रॉ में भी आएगा वो ऑस्टिन थ्योरी का करियर पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और ऑस्टिन थ्योरी ने सीना को चैलेंज करके उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी और फिर सीना ने ऑडियंस से पूछा कि क्या वो लोग चाहते हैं कि सीना थ्योरी से फाइट करें, तो ऑडियंस ने भी हाँ बोल दिया और सीना ने बोला कि भले ही वो थ्योरी की परवाह नहीं करते लेकिन वो ऑडियंस की परवाह करते हैं और इसलिए सीना का मैच फिक्स हो गया है थ्योरी के साथ रेसलमेनिया 39 में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और मुझे लगता है कि शायद इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी को WWE जितवाने वाले हैं क्योंकि ऐसे भी सीना इस मैच के बाद WWE से चले जाएंगे उनकी मूवीज की शूटिंग और प्रमोशन करने के लिए। वैसे अगर इस मैच में सीना जीतकर फिर से US चैंपियन बन जाते हैं तो ये WWE फैंस के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज होगा। तो WWE हॉल ऑफ फेमर्स ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा और वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बेकी लिंच और लीटा 6 वुमेन टैग टीम मैच में फाइट करेंगी डैमेज कंट्रोल की टीम के साथ और मुझे लगता है कि इस मैच में बेकी लिंच, लीटा और ट्रिश स्ट्रैटस की टीम जीतने वाली है। तो रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर का मैच एलिमिनेशन चैम्बर 2023 की विनर आस्का के साथ होने वाला है और क्योंकि बियांका बहुत टाइम से चैंपियन बनी हुई है और WWE आस्का को भी पुश देना चाह रहे हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 39 में आस्का जीतकर नई रॉ वुमेन्स चैंपियन बन सकती हैं। तो रॉ रंबल 2023 की विनर रिया रिप्ली का रेसलमेनिया 39 में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के साथ टाइटल मैच होने वाला है और जिस तरह से रिया रिप्ली को एक साल के अंदर WWE ने बहुत ज्यादा पुश दिया है और क्योंकि रिया रिप्ली एक बार पहले भी शार्लेट से रेसलमेनिया में टाइटल मैच में हार चुकी हैं इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार रिया रिप्ली जीतकर नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन जाएंगी। तो इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में लोगन पॉल ने सेथ रॉलिंस पे अटैक करने के बाद सेथ का चैलेंज एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है और WWE ने भी अनाउंस कर दिया है कि लोगन पॉल और सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का मैच होगा रेसलमेनिया 39 में और क्योंकि इस मैच में अब सेथ फेस सुपरस्टार बन गए और लोगन हील सुपरस्टार है और जिस हिसाब से बार बार लोगन पॉल सेथ पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं उससे मुझे ये लग रहा है कि रेसलमेनिया 39 में सेथ हरा देंगे लोगन पॉल को। तो एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में बॉबी लैशली से डिस्क्वालिफिकेशन से हारने के बाद अब रेसलमेनिया 39 में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ओमास से फाइट करने जा रहे हैं और अगर इस मैच में लैशली या MVP इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब इस मैच में लेसनर हरा देंगे ओमास को। लेकिन रेसलमेनिया 39 के डे 2 का मेन इवेंट मैच है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस रॉ रंबल 2023 की विनर द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स। तो रोमन अगर रेसलमेनिया में जीत गए तो फिर रोमन को कोई नहीं रोक पाएगा 1000 दिन कंप्लीट करने से एज अ यूनिवर्सल चैंपियन और मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमन ही जीतेंगे इस साल फिर से रेसलमेनिया में। वैसे आप लोग भी अपनी रेसलमेनिया प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में सबसे शेयर करो और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।